हेलो फ्रेंड्स, सिंपल कुकिंग बाय बीएन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट पारसी रेसिपी और वो है पात्रानी मच्छी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही ये हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी बनता है। इस रेसिपी से आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन मिलेगा। साथ ही ये एक स्टीम रेसिपी है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देर किए बिना अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हमें एक ग्रीन चटनी बनाकर रेडी करना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर जार लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप कटा हुआ फ्रेश कोकोनट, साथ ही लिया है आधा कप पुदीने का पत्ता। पुदीने का पत्ता यानी मिंट लीफ, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आधा कप धनिया पत्ता, जिसमें विटामिन सी, विटामिन के और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, विटामिन सी से भरपूर हरी मिर्च 5 से 6, यहाँ पे हरी मिर्च मैंने तीखी वाली ली है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ही लें। एक छोटा चम्मच चीनी लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालें, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा पानी या जरूरत के अनुसार पानी डालकर अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हरी चटनी बनकर तैयार है। पात्रानी मच्छी है तो पत्ते तो लगेंगे ही। यहाँ पर केले के पत्ते लिए हैं मैंने, जिसे अच्छे से धो लिया है। अब मैं पत्ते के बीच वाले मोटे पार्ट को काट कर हटा दूंगी। अब इन पत्तों को अच्छे से पोंछ कर ड्राई कर ले। केले के पत्ते आसानी से टूट जाते हैं, इससे बचने के लिए हम इसे गैस पर रख कर थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा कि जब हम पत्तों को फोल्ड करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, आसानी से मुड़ जाएंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं पत्ते, तो रेडी हो गए। अब हम स्टीमर रेडी कर लेंगे। स्टीम करने के लिए गैस के ऊपर पतीले में पानी डालें, उसके ऊपर एक जाली वाला बर्तन रख दें और ऊपर से कवर कर दें। मैं यहाँ पर गैस पर स्टीमर चढ़ा रही हूँ, इसमें पानी डालकर कवर करके गर्म होने के लिए छोड़ दिया है मैंने। अब इधर पत्तों को मैंने बीच से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 2 पत्ते लिए थे जो साइज में छोटे थे, इसलिए मैंने उन्हें काट कर 4 टुकड़ों में किया और फिर से उसे कट किया और इस तरीके से पत्तों को सेट कर लिया है। मछली में मैं बोनलेस फिश यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बासा फिश फिले यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी फिश, पॉम्फ्रेट, किंग फिश, सुरमई, रावस ले सकते हैं। अब हमने इधर केले के पत्ते को जो सेट करके रखा था उस पर अच्छे से ग्रीन चटनी फैला देंगे। फिश के साइज के हिसाब से चटनी को स्प्रेड करें। चटनी अच्छी मात्रा में यहाँ डालें। ये देखिए पत्तों पर मैंने चटनी फैला ली है। अब इस पर मछली का एक पीस लेंगे, वो रख देंगे। अब फिश फिले के ऊपर भी अच्छे से चटनी को स्प्रेड करेंगे ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए चारों तरफ से। अब हमें इसे कवर करना है, पत्तों को फोल्ड करें चारों तरफ से। पत्ते हमने गर्म करके उसके पहले ही सॉफ्ट कर लिए थे, इसलिए फोल्ड करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। टूथपिक से इसे पैक करें। टूथपिक आपके पास ना हो तो किसी धागे से इसे बांधकर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको कि धागे से हम इसे कैसे बांधेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप पत्ते को धागे से अच्छे से पैक कर लीजिए ताकि चटनी पत्ते के बाहर ना आ पाए। इसी तरह से धागे और टूथपिक के हेल्प से मैंने चारों फिश फिले को पैक कर लिया है। ये देखिए इधर हमारा स्टीमर भी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए,
हम इसमें एक एक करके सभी मछली को आराम से डाल देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे 8 से 10 मिनट तक आराम से पकने देंगे। 8 मिनट हो गए हैं, मछली बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं इसे अब खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना कितना टेस्टी। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। वाह, बहुत ही टेस्टी। आप इसे जरूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आप जरूर बनाकर देखें और बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा। और मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल सिंपल कुकिंग बाय बीएन को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।